11वें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स की इस ग्रैंड जूरी में शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति, पंकज उदास, इला अरुण, समीर अंजान, प्रीतम, उदित नारायण समेत कई दिग्गज गायक शामिल हुए। 11वें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के विनर्स की अनाउंसमेंट 16 फरवरी 2019 को मुंबई में एक भव्य पुरस्कार समारोह में की जाएगी। एक बार फिर पुरस्कार समारोह इस वर्ष जनता के लिए खुला रहेगा। बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि फिल्म अवार्ड्स होते हैं जहाँ पर यू नो एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टेक्निकल जो क्रू है, कैमरामैन वगैरह को अवार्ड्स देने के लिए नॉर्मली अवार्ड्स होते हैं, लेकिन रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, ये म्यूजिक की तरफ फोकस किया गया है। और ये हम लोग एक ये ऐसा एक अवसर है जहाँ हम लोग सब मिलने के लिए बहुत बेताबी से इंतज़ार करते हैं साल भर, क्योंकि पूरा जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है वो बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेटर्निटी है। और हम लोग सब साथ मिलते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, अरेंजर्स होते हैं, म्यूजिशंस होते हैं जिन्होंने बजाया है, तो ये सब मिलके एक यू नो इट इज़ अ वंडरफुल इवनिंग दैट वी स्पेंड टुगेदर। टीम मेंबर होने के नाते ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमने कौन से गाने सिलेक्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारे गानों पर चर्चा हुई है। 2018 का म्यूज़िक बहुत ही लाजवाब था, उसमें सारे म्यूज़िक कंपोज़र का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो आउटस्टैंडिंग फिल्में हैं जिसके बारे में चर्चा हुआ है उसमें सबसे अव्वल नंबर पे राज़ी है, क्योंकि राज़ी फिल्म बहुत पसंद की गई थी। राज़ी में गुलजार साहब की सारे गाने गुलजार साहब के लिखे हुए हैं, बहुत प्यारे से गाने हैं, तो ऐसी 2-3-4 फिल्में हैं जो बिल्कुल फ्रंट रनर हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी इस बार के मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स में, और स्पेशली पुराने 60s के फिल्मों से लेके आज तक के जो फिल्मी नॉन फिल्मी गानों की कैटेगरीज थी उसमें जैसे कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, सिंगर्स सब कुछ था, तो अलग अलग कैटेगरीज थी, तो कुछ इसमें से हमने सुने हुए थे, कुछ अभी हमको नए जो थे वो अभी सुनाए, तो उसमें जो कोशिश की हमने कि जो हमें अच्छा लगा, और स्पेशली हम सब ने मतलब जो मेजोरिटी हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा वो हमने चुना है आजकल। देखिए सिलेक्शन का तो गानों का पता नहीं सकते, मगर नए गानों को नया म्यूज़िक बहुत इस साल डिफरेंट और अच्छा आया है, और इस साल ये भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पुराने गाने रिमिक्सेस बहुत हुए हैं, रिक्रिएट बहुत हुए हैं, तो उनकी पहली बार हमने एक नई कैटेगरी बनाई है जिसमें जो पुराने गाने रिक्रिएटेड हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। क्योंकि ये जो म्यूज़िक अवार्ड है मिर्ची अवार्ड, ये हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री का अवार्ड है, और ये अवार्ड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री के सब लोग जो कविता जी इनका हेड ऑफ जूरी है, लेकिन हम लोग जो सब है इधर काफ़ी अराउंड 30 to 35 म्यूज़िक इंडस्ट्रीज से हम लोग है, और हम लोग वोट करते हैं, और सो ये अवार्ड ऑल हर हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस के लिए इम्पोर्टेंट अवार्ड है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।